तो यो बड़ी क्या हाल है आप सभी का। और मैं भाई लोग मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ आफ्टर अपडेट यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग के बारे में। यहाँ पे जो कुछ नए यहाँ पे जो सेटिंग ऐड हुआ है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जो कौन सा सेटिंग रखना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। एंड गाइस यहाँ पे अपडेट के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे चेंज हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पूरी फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आपको जो कौन सा सेटिंग रखना चाहिए। और गाइस मैं सेटिंग को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या चेंजेस हुए, आपको जो क्या क्या रखना चाहिए जिससे आप लोग अच्छे से खेल पाओ, आपको अच्छा लगे फीलिंग, मतलब अच्छा हो गेम का सेटिंग, अच्छा रहेगा तभी आप लोग अच्छे से खेल पाओगे। तो गाइस मैंने आप लोगों को यही सब सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि गाइस आपको जो कौन सा सेटिंग रखना है उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो गाइस मैंने आप लोगों को ये सारी सारी चीज बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, मैं भाई लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। एंड गाइस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक और चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी बेस्ट होने वाला है, इसीलिए बोला गाइस आपको क्या करना है, मेरे भाई लोगों की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो मैं लोग इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू से पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे वाले वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है। और मेरे लोग चैनल पर नहीं आए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड गाइस साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंट्रोल सेटिंग के बारे में। उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में चलता हूँ। ट्रेनिंग में जाकर मैं बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुआ है, क्या सेटिंग नए ऐड हुआ है जो कि आपको जो कौन सा मतलब सेटिंग को यूज करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो वही जहाँ पे मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग मोड में। एंड गाइस सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे FPS देखते हैं कितना FPS दे रहा है। तो वही जिसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 60 FPS दे रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पे PC पे अभी 60 FPS नहीं दे रहा है, सिर्फ 30 या 40 मतलब FPS दे रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब भाई PC पे तो गेम नहीं चल रहा सही से, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़ के बारे में, न्यू सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो वही जैसे अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे आओगे एंड गाइस कंट्रोल्स पे आओगे, एंड गाइस आप लोगों का सेंसिटिविटी गाइस क्या आप लोग अपने हिसाब से रखना, गाइस जनरल फुल रखना। अगर आप लोगों का मूवमेंट कम हो रहा है तो गाइस आपको जनरल फुल करना है, अगर ज्यादा हो रहा है तो भाई आपको 90-80 पे रख के देखना है, और गाइस आपको कम लगता है तो उसको बढ़ा लेना धीरे धीरे। बाकी रेट अगर आप चाहते हो तो 100 रखना भाई, 2x100 आप जो चाहे भाई 100 रख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद आप कंट्रोल्स पे बात करते हैं कि कंट्रोल में मतलब क्या नया चेंज हुआ है। जैसे देखोगे तो यहाँ पे बाकी सारी सारी यहाँ पे मतलब डिफॉल्ट है, लेकिन गाइस यहाँ पे एक न्यू मतलब यहाँ पे जो ऐड हुआ है, जैसे देखोगे तो आपका रिलोड प्रोग्रेस ऑन कर्सर हियर, ठीक है। तो गाइस ये क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूं ये क्या है, तो गाइस उसके लिए चलो मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफ है तो गाइस सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं गेम में आया, ठीक है, तो वह जैसे मैं यहाँ पे फायर करता हूँ, ठीक है, मैं फायर इधर किया, ठीक है, सबसे पहले इधर मैं फायर करता हूँ। एंड जैसे मैंने फायर किया तो गाइस आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिलोड यहाँ पे मतलब कर्सर पे मतलब शो कर रहा है। एंड जैसे इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे मैं जैसे रिलोड करूँगा तो वहाँ पे शो नहीं होगा। तो गाइस चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फायर किया रिलोड करूँगा तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं रिलोड करूँ तो सामने दिख जाए कि रिलोड हो रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कर्सर देख लो गाइस यहाँ पे रिलोड प्रोग्रेस ऑन कर्सर पे क्या करना है, इसको ऑन करना है। अब आप लोग यहाँ पे फायर करोगे और रिलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा क्या चीज पे, एम पे, ठीक है। गाइस देख लो यहाँ पे कर्सर जो बोला जाता है उस पर रिलोड आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख लो। एंड गाइस ये एक न्यू सेटिंग था, अगर आप लोग चाहते हो कि कर्सर में आपको रिलोड शो करेगा आप लोग कर लेना यार, अच्छा दिखता है, ठीक है, आप लोग उसमें करना, आपको इसको ऑन करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है गाइस, आपको जो बाकी यहाँ पे सारी सारी मतलब डिफॉल्ट है पहले जैसा था वैसा ही है। एंड गाइस यहाँ पे जो है थ्रो मतलब जैसे देखोगे तो यहाँ पे ग्रेनेड स्लॉट और गाइस ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो, अगर ये ऑन है तो गाइस आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, आप लोगों का ग्लू वॉल ग्रेनेड एक ही चीज में आ जाएगा, अगर आप लोगों का ये ऑन रहेगा गाइस ग्रेनेड ग्लू वॉल अलग अलग हो जाएगा, इसलिए बोला गाइस आपको क्या करना है, इसको जो एक में ही कर देना, इसको ऑफ कर देना ऑन है तो। भाई भाई ये तो ऑफ होगा ऑलरेडी, अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखोगे, अगर ऑन हो गया तो गाइस इसको ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे की साइड आओगे तो वही जहाँ पे विजुअल पे एक जो यहाँ पे न्यू मतलब सेटिंग ऐड हुआ है जिसका नाम है कर्सर टाइप, ठीक है, क्रॉस हेयर टाइप, ठीक है। तो वही आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप लोग जैसे क्लासिक पे देखोगे तो वही देख लो क्लासिक पे कैसा कर्सर, देख लो यहाँ पे कुछ कर्सर में कटा कटा हुआ है जो कि पहले था, ठीक है, ये पुराने वाला कर्सर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे कंट्रोल पे आके उसके सबसे नीचे जाके इसको कर्सर टाइप पे आपको क्या करना है, इसको न्यू करोगे तो वही जैसे देखोगे तो यहाँ पे पूरी पूरी गोल आ चुका है, जो बीच बीच में कट सके जो हट चुका है, ठीक है। तो वही आप लोग इसको जैसे अगर आप लोग यहाँ पे मारते हो तो भाई जो गोला रहेगा वो पहले जैसे कट था गाइस वो मतलब नहीं रहेगा। एंड जैसे आप लोग इसको मतलब गन को मतलब हटा दोगे तो भाई ये कर्सर छोटा हो जाएगा, एंड गाइस आप लोग जैसे गन लोगे तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं पुराने वाले में कैसा हो रहा है, जैसे गन छोड़ रहा हूँ तो गाइस क्या कर्सर कैसा रह रहा है। तो गाइस जैसे देख लो
पुराने वाला में जैसे मैं मतलब गन भी छोड़ रहा हूँ तो गाइज उतना ही बड़ा रह रहा है, उसका गन भी ले रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे नए वाले में क्या हो रहा है, आप लोग गन जैसे हाथ में पकड़ रहे हो तो गाइज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा मतलब देख लो गाइज थोड़ा छोटा हो जा रहा है। तो गाइज अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरा गन मतलब हाथ में नहीं लूँ तो छोटा हो जाए, बाकी गन हाथ में लूँ तो बड़ा हो जाए, तो गाइज आप लोग न्यू वाले पे कर लेना गाइज, दोनों अच्छा है भाई, अपना अपना जगह पे दोनों ठीक है। ये न्यू वाला से मतलब न्यू वाला ये सेटिंग है, वो भाई अपना पुराना वाला है। तो गाइज अगर आप लोगों को नहीं जमता है न्यू वाला तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है विजुअल पे और गाइज कर्सर टाइप पे आपको क्लासिक कर देना है, बाकी आपको पुराने वाला हो जाएगा। आप लोग गन भी छोड़ोगे तो थोड़ा बड़ा रहेगा और गाइज गन भी लोगे तो मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो कि यही सेटिंग हुआ है गाइस। आफ्टर अपडेट के बाद यही न्यू सेटिंग आया हुआ है। और गाइस चलो मैं आप लोगों को बेस्ट मतलब सेटिंग मतलब बेस्ट चीज के बारे में बता दूं गाइस आपको क्या करना है ठीक है। गाइस अगर आप लोग अपडेट के बाद से अगर आप लोग यहां पे स्टोर में अगर आकर और गाइस रिडीम पे आकर और अगर आप लोग यहां पे गिल्ड टोकन पे आकर अगर आप लोग यहां पे ये वेपन वाउचर और गाइस डायमंड वाउचर नहीं लिए तो गाइस सबसे पहले इसको खरीद लेना, आपको गिल्ड टोकन से मिलता है फ्री में। तो गाइस आप लोग इसको लियो या नहीं लियो गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद चलो यहां पे एक और चीज बताता हूं, यहां पे जैसे वेपन पे आओगे ना तो गाइस यहां पे मिस्टरी भाई यहाँ पे करके आएगा गन ठीक है। तो वही जैसे मिस्टरी पे आओगे तो वही जैसे कि देख लो ये क्या है गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था, उसके बाद आपको समझ में इजीली आ जाएगा ये है क्या ठीक है। गाइस बहुत सारे बंदे को नहीं मालूम होगा, देख लो गाइस अगर आप लोग जो भी गन को चलाते हो ठीक है गाइस, आप लोग जो भी गन को चलाते हो तो गाइस जैसे गेम के अंदर जाकर चला के आओगे तो गाइस उसका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा गाइस। जैसे कि देख लो जैसे बढ़े जाएगा गाइस जैसे कि देख लो यहाँ पे जैसे बढ़ेगा गाइस लास्ट में जैसे जाओगे तो आपको कुछ यहाँ पे अननोन चीज मिलने वाला जो कि अभी नहीं बताया है। लेकिन गाइस उससे पहले गाइस तीसरे नंबर पे देखोगे तो ये वाला AWM का स्किन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एंड गाइस ऐसा ये AWM के साथ नहीं, फ्री फायर में जितने भी टोटल गन है ना गाइस सबका गन सबका मतलब स्किन आप लोग फ्री ले सकते हो, उसके लिए आपको गन को चलाना पड़ेगा। उसको जैसे चलाओगे एंड गाइस तीसरे नंबर तक ही आ जाएगा गाइस, तो क्या होगा ये वाला गन का स्किन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में परमानेंट मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग गन को चलाओगे, जो गन को जितना चलाओगे उसका उतना ही स्कोर बढ़ेगा। तो गाइस जैसे कि देखो यहाँ पे सारी गन को मैं चलाया हूँ तो सारी गन का यहाँ पे स्कोर बढ़ा हुआ है ठीक है। आप लोग जितना गन को चलाओगे उतना उसका स्कोर बढ़ते जाएगा। तो गाइस आप लोग इस तरह का के अगर आप लोगों के पास जो भी गन का स्किन नहीं है वो वाला गन का स्किन आप लोग परमानेंट यहाँ से ले सकते हो ठीक है। जो कि गाइस ये अपडेट के बाद काफी मस्त सेटिंग है, बहुत सारे बंदे के पास गन का स्किन नहीं होता है, आप लोग टोटल गन का स्किन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। बस आपको गन को चलाना है, जैसे चलाओगे तो उसका स्कोर भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कट्टा का स्किन नहीं है तो गाइस आप लोग ये गन को चलाओ, उसके बाद आप लोगों को ये वाला कट्टा का स्किन बिल्कुल फ्री में परमानेंट मिल जाएगा ठीक है। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे भाई लोग आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड मेरे लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।